तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सेक्टर 65 स्थित एक निजी स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी खुद की जांच कराई। वहीं परिवहन मंत्री ने रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। यह नजारा सेक्टर 65 के एक निजी स्कूल का है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और स्कूल में उन्होंने स्वास्थ्य कैंप में जहां अपनी खुद की जांच कराई, वहीं सभी लोगों को स्वास्थ्य जांच कराने की बात भी कही। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। उनके साथ बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा भी मौजूद रही। नहीं, आज मेरे छोटे भाई के ब्लड डोनेशन कैंप था और सभी मेरी सीमा त्रिखा और ये मैं इनको बधाई देना चाहते हैं। ब्लड डोनेशन काम सबसे बड़ा धर्म का काम है। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, आपको ब्लड नहीं मिलेगा, दौलत मिल जाएगी, कोई हर चीज़ दे देंगे कि उस समय जब वक्त बुरा होता है तो ब्लड की जरूरत पड़ती है। मैं इनको बधाई देता हूँ और सभी लोगों को, सामाजिक धार्मिक संगठन के लोगों को, सभी को इस तरह के कैंप लगाए जाएँ, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो। इससे आम आदमी को लाभ मिलता है, जो बीमारी से जूझता है उसके लिए खून की सबसे बड़ी जरूरत। करीब 2000 लोगों की आंख बनवा चुके सत्यवीर डागर का कहना है कि हर साल ये कैंप लगाया जा रहा है और इस बार ये 20वां कैंप है, जिसमें हजारों लोग लाभ उठा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश में सभी बीजेपी विधायक और मंत्री अपने अपने हलके के अंदर आने वाले सभी वार्ड और गलियों में जाकर लोगों से मिलेंगे और धन्यवाद करेंगे, जनता की समस्या को भी सुनेंगे और उनका निदान भी करेंगे। इस बार पूरे 5 साल जमकर विकास कार्य होंगे और पिछले की अपेक्षा ज्यादा काम किया जाएगा। पिछले से 3.5 साल में काम चालू है, अब के 5.5 साल काम करेंगे, कि जो 3.5 से 1.5 साल बाद काम चालू है, अब तो मैं समस्या भी सुनेंगे, लोगों का जो समस्या लेंगे वे उनको पूरा कराने। बहरहाल खट्टर सरकार 2 के अभी महज 1 महीना ही हुआ है और अभी सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय के कार्यों को तेजी देने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि खट्टर सरकार 2 की ये टीम विकास को और कितना गति दे पाती है। टोटल न्यूज के लिए प्रतला से विनोद।